जॉर्ड एक फ्लैंकिंग एंगल, लेकिन सारंग का लग रहा है कि शायद अब प्लेयर्स यहां से हटने की कोशिश करने वाले, क्योंकि उनको पता है सर्कल का एक्सेस इसके आने वाले 40 सेकंड के बाद होने नहीं वाला है यहां पर, तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। बट ये क्या वापस से अपने साथियों को लेकर आ चुके हैं, बट क्या अब वो डायरेक्ट स्लैमिंग दिया जाएगा? जी हाँ, वो डायरेक्ट स्लैमिंग की ही तैयारी कर रहे थे, बट इसी बीच निंजा जॉर्ड ने काफी हद तक डैमेज यहाँ पर खा लिया है जॉर्डन के बारे में, कि एक ही बुलेट्स के अगेंस्ट पे दोनों को यहाँ पर डाउन किया जरूर, जैसे फ्री फायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो फटका पे लेकर आ जाएगा अब जेली के ऊपर वो संभावना है। क्या अब यहाँ से सर्वाइवल के लिए या फिर बैटल के लिए, लेकिन अभी के लिए जैसा नजर आ रहा है बैक ऑफ कर रहे हैं इस फाइट को, वो शायद समझ चुके कि यहाँ पे दिख रहा है बड़े ये है और इस फाइट के अंदर जाना बहुत खतरनाक रहेगा। सो यस, दे आर ट्राइंग टू बैक आउट, बट जेली वो फर्स्ट एड्स है उनके पास, लेकिन आप एचपी देखिए अगर रास्ते चलते एक आधी टीम और मिल गई कुछ हल्के फुल्के स्प्रेस पड़े तो कितनी दिक्कत है, हेलमेट भी बहुत ज्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू।